अब अगर आप ये मूवी देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट की आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां विल और एलिजाबेथ की शादी के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन लॉर्ड कटर को देखते है, जो उनकी शादी होने से पहले ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उन दोनों ने कैप्टन जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। इसलिए कटलर अपने साथ 3 वारंट लेकर आया था, जिसमें 2 वारंट तो विल और एलिजाबेथ के खिलाफ थे लेकिन 3रा वारंट जेम्स के खिलाफ था, क्योंकि जेम्स ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से नहीं निभाया था। पर जेम्स वहाँ नहीं होता क्योंकि वो जैक की तलाश में पहले ही निकल गया था, जिसके बाद विल और एलिजाबेथ को सजा के तौर पर फांसी देने का फैसला होता है, जो उन्हें कुछ ही दिनों बाद दी जाएगी। पर अगले दिन कटलर विल को अपने पास बुलाकर उसे ये कहता है कि यदि तुम अपनी और एलिजाबेथ की फांसी को रुकाना चाहते हो तो मुझे जैक स्पैरो का कंपास ला कर दो, जिस काम के लिए वो विल को कुछ हफ्तों का मोहलत भी देता है, जिसके बाद विल एलिजाबेथ को सारी बात बताकर जैक स्पैरो की तलाश में निकल जाता है। अब आगे हम जैक स्पैरो को उसके साथियों के साथ ब्लैक होल जहाज पर देखते हैं, जहां वो अपने साथियों को एक कपड़े का टुकड़ा दिखाकर किसी चाबी के बारे में बताते हुए कहता है कि हम इस चाबी की तलाश कर रही है क्योंकि इस चाबी की मदद से हम एक संदूक को खोल पाएंगे जिसमें बहुत ही बेशकीमती चीज रखी हुई है। जिस पर अब उसके साथी उससे सवाल करते है कि हमें उस चाबी की तलाश के लिए किस दिशा में जाना होगा, जो सुनकर जैक स्पैरो अपने कंपास को देखता है लेकिन उसका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो अपने मन से ही एक दिशा की ओर इशारा करके वहाँ चलने को कहता है, इसलिए वो सभी उसी दिशा में जहाज को मोड़ देते हैं। फिर रात के समय जैक स्पैरो अपना कंपास लेकर शिप के नीचे वाले हिस्से में जाता है, जहां उसको बूटस्ट्रैप टर्नर यानी कि विल का पिता मिलता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। दरअसल बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो का पुराना साथी होता है जो ब्लैक पर्ल पर उसके साथ काम किया करता था। वो जैक स्पैरो से कहता है कि आज से 13 साल पहले हमारा जहाज समुद्र के गहराइयों में डूब गया था, जिस दिन तुमने समुद्र के दानव डेवी जोन से एक सौदा की थी, जिस सौदे के तहत वो ब्लैक पर्ल जहाज को बाहर लाएगा और इसके बदले तुम 13 साल तक ब्लैक पर्ल का कैप्टन रहकर जिंदगी भर के लिए डेवी जोन्स की गुलामी करोगे, जिस बात को अब 13 साल बीत चुके हैं, इसलिए तुम्हें डेवी जोन्स की गुलामी करनी पड़ेगी वरना वो तुम्हें मारने के लिए क्रकेन नाम के एक दानव को छोड़ देगा। जो सुनकर अब जैक स्पैरो उससे सवाल करता है कि वो तो मैंने डेवी जोन्स से सौदा किया था पर तुम उसके गुलाम कैसे बन गए, जिस पर बूटस्ट्रैप बताता है कि मुझे पत्थर से बांधकर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया गया था, तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए डेवी जोन्स से सौदा कर लिया। अब इसके बाद वो जैक स्पैरो के हाथ को पकड़ लेता है और ऐसा करती उसकी हथेली पर काला निशान बन जाता है, जिस निशान की वजह से क्रैकेन को जैक स्पैरो की लोकेशन का पता चलते रहेगा, जीसी के साथ बूटस्ट्रैप वहां से गायब हो जाता है। अब वहां से उसके जाते ही जैक स्पैरो वापस से ऊपर आकर अपने साथियों से कहता है कि वो तेजी से इस जहाज को लेकर किसी टापू पर चले। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्रैकेन समुद्र का जीव है जो जमीन पर जैक स्पैरो को कुछ नहीं कर सकता। तभी बारबोसा का बंदर जो अब भी उसी जहाज पर होता है वो जैक स्पैरो की टोपी उठाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। अब अगले दिन जैक स्पैरो की टोपी कुछ नाविकों को मिलती है जो उस टोपी को पहनकर खुद को कैप्टन कहने लगते हैं। जीतने में ही डेवी जोन्स का दानव क्रैकेन वहां आकर उनकी जहाज को तबाह करके समुद्र में डुबा देता है। फिर अगले सीन में हम एलिजाबेथ के पिता को देखते हैं, जो अपनी बेटी एलिजाबेथ को जेल से बाहर निकालकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं। वो उसे कहते हैं कि जहाज का कैप्टन मेरा दोस्त है जो तुम्हें सुरक्षित यहाँ से निकाल देगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य कि वहाँ कटलर का साथी आकर कैप्टन को जान से मार देता है, पर इससे पहले कि वो एलिजाबेथ को पकड़ पाता वो वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद अब हम एलिजाबेथ को कटलर के पास देखते हैं, जहाँ वो कटलर से बंदूक की नोक पर कुछ कागजों पर साइन करवा लेती है। तब कटलर उससे भी कंपास वाली बात कहता है, जो सुनकर एलिजाबेथ को लगता है कि कटलर को ऐसे का खजाना चाहिए, इसलिए वो उसे उस खजाने के शाप के बारे में बताती है, जिस पर कटलर कहता है कि समुद्र में ऐसे के खजाने से भी ज्यादा कीमती चीजें मौजूद है। जिसके बाद हम विल को देखते हैं, जो बहुत सारे नाविकों से जैक स्पैरो का पता पूछते हुए टापू पर पहुंच जाता है। उस टापू पर ब्लैक होल जहाज को देखकर विल समझ जाता है कि जैक स्पैरो कहीं आसपास ही होगा, इसलिए उसकी तलाशी में जंगल की तरफ चला जाता है, जहां बहुत से आदिवासी विल को बांधकर अपने सरदार के पास ले जाते। विल देखता है कि उनका सरदार कोई और नहीं बल्कि जैक स्पैरो ही है, इसलिए विल जैक स्पैरो से कहता है कि एलिजाबेथ को फांसी से बचाने के लिए मुझे तुम्हारे कंपास की जरूरत है। जिस पर अब जैक स्पैरो उन आदिवासियों को उनकी भाषा में कुछ कहता है, जो सुनकर वो आदिवासी विल को एक लकड़ी के पिंजरे में डाल देते है, जिस पिंजरे में जैक स्पैरो के बाकी साथी भी कैद होते। उन्हीं में से एक साथी विल को बताता है कि इन आदिवासियों ने जैक स्पैरो को अपना
सरदार इसलिए बनाया था क्योंकि उन्हें जैक स्पैरो के अंदर एक पवित्र आत्मा दिखाई देती है और उसी पवित्र आत्मा को आजाद करने के लिए वो लोग जैक स्पैरो को जलाकर मारने वाले हैं, जो सुनकर विल वहां से भागने की योजना बनाता है और वो सभी अब पिंजरे सहित वहां से भागने लगते हैं, पर एक आदिवासी उन्हें ऐसा करते देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ कबीले वाले जैक स्पैरो को जलाने ही वाले थे कि तभी उनका वो साथी आकर बताता है कि सारे कैदी भाग गए। अब ये पता चलते ही सभी लोग जैक स्पैरो को छोड़कर उसके साथियों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तब जैक स्पैरो किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है, जबकि विल और बाकी लोग ब्लैकवेल तक पहुंचकर जैक स्पैरो को बचाने की योजना बना ही रहे होते कि तभी उन्हें जैक स्पैरो नजर आता है, जिसके पीछे बहुत सारे आदिवासी भाग रहे होते, जो नजारा देखकर विल और बाकी लोग ब्लैकवेल को पानी में उतार लेते हैं। और तब तक जैक स्पैरो भी अपनी जहाज में चढ़ जाता है और इस तरह वो सभी उन आदिवासियों से बच जाते हैं। अब आगे जैक स्पैरो विल को बताता है कि कटलर को मेरा कंपास नहीं बल्कि एक संदूक चाहिए, पर उस संदूक को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत लगेगी, जिसका पता लगाने के लिए हमें ताहिद एल्मा नाम की जादूगरनी के पास जाना होगा। इसलिए वो सभी ताहिद एल्मा के पास जाकर उसे बारबोसा का बंदर देते, क्योंकि कोई भी जादूगरनी बिना कुछ किए किसी की मदद नहीं करती। अब इस बंदर को देने के बाद जैक स्पैरो उससे चाबी के बारे में पूछता है, जिस पर ताहिद एल्मा कहती है कि तुम उस चाबी का पता अपने कंपास से भी कर सकते थे, फिर इसके लिए तुम मेरे पास क्यों आए। दरअसल उस कंपास को ताहिद एल्मा नहीं बनाया था और वो कंपास जादू ही था, जिसमें ऐसी शक्तियां थी जिसके द्वारा इंसान जिस चीज को पाने की इच्छा करता है तो वो कंपास उस इंसान को उसी चीज की दिशा बताता है। लेकिन जैक स्पैरो के मन में चाबी को ढूंढने की प्रबल इच्छा नहीं थी, इसलिए वो कंपास लगातार अलग अलग दिशाएं दिखा रहा था। अब ताहिद एल्मा बताती है कि वो चाबी एक संदूक की है जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है और डेवी जोन्स ही समुद्र का पहला इंसान है और उसी ने उस चाबी को कहीं रखा हुआ है। इसके बाद वो जैक स्पैरो को मिट्टी से भरा एक जार देकर कहती है कि डेवी जोन जमीन पर नहीं आ सकता, इसलिए तुम जमीन को अपने पास रखो, जिस पर अब जैक स्पैरो उस मिट्टी से भरे जार को अपने पास रख लेता है और फिर वो आखिर में उन्हें डेवी जोन्स के जहाज डचमैन का पता भी बताती है। इसलिए वो लोग ब्लैक पर्ल पर सवार होकर डचमैन जहाज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है, जो देखकर विल जैक स्पैरो से कहता है कि मैं वहां जाकर उस चाबी को ले आता हूं, जिसके बाद वो ब्लैक पर्ल से उतर जाता है। तब जैक स्पैरो से कहता है कि यदि तुम पकड़े जाओ तो डेवी जोन से कहना कि तुम जैक स्पैरो का कर्ज चुकाने के लिए आए हो, जिसके बाद विल उस टूटे हुए जहाज के पास पहुंचता है, पर उसी समय समुद्र के पानी से असली डचमैन जहाज बाहर निकलता है, जिसमें बहुत सी अजीब जीव होते हैं, जिनमें से किसी की शक्ल शार्क मछली की तरह तो किसी की केकड़ी की तरह होती है। फिर कुछ ही देर में वहाँ डेवी जोन्स भी आता है, जिसकी शक्ल ऑक्टोपस के टेंटिकल जैसी थी। उसे देखकर विल बताता है कि मैं जैक स्पैरो का कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ। और अब इसी सब के बीच हम जैक स्पैरो को भी देखते हैं, जो दूरबीन से डेवी जोन्स को ही देख रहा था, पर अचानक से डेवी जोन्स उसके सामने आने की जैक स्पैरो की जहाज पर ही आ जाता है, जिससे हमें उसकी शक्तियों का अंदाजा लग जाता है कि वो कोई मायावी जीव है। वो अब जैक स्पैरो को याद दिलाता है कि अब तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, लेकिन जैक स्पैरो उसकी गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैंने अपनी जगह विल को तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए तुम उसे अपना गुलाम बना सकते हो। अब जैक स्पैरो की ये बात सुनकर डेवी जोन्स कहता है कि तुम एक खास इंसान हो जिसकी कीमत 100 आदमियों के बराबर है और तुमने मेरे पास बस एक आदमी भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। तुम 3 दिन के अंदर मुझे बाकी के 99 आदमी लाकर दो, वरना क्रेकेन तुम्हें जान से मार देगा। जो ऐसा कहकर वो जैक स्पैरो के हाथ में बने काले निशान को मिटा देता है। अब आगे जैक स्पैरो और उसके साथ ही एक टापू पर जाकर 99 लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों में कुछ ही लोग आते हैं, जहाँ जेम्स भी होता है, जो जैक स्पैरो को देखते ही उस पर अपनी गन तान देता है, लेकिन जैक स्पैरो के साथ ही उसे बचा लेते हैं। फिर बाद में वो जेम्स को अपने साथ ले लेता है, जहाँ अपनी जहाज पर जाते समय उसे एलिजाबेथ मिलती है, जो विल की तलाशी में भेस बदल कर रह रही थी। वो जैक स्पैरो से विल के बारे में पूछती है, जिस पर जैक स्पैरो बताता है कि विल को डेवी जोन्स ने पकड़ लिया है और यदि तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे इस कंपास की मदद से उस संदूक को ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा है। वो दरअसल इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसे पता था कि एलिजाबेथ विल को सबसे ज्यादा प्यार करती है और उसे बचाने के लिए संदूक की जरूरत लगेगी, इसलिए यदि एलिजाबेथ उस कंपास का प्रयोग करे तो कंपास उस संदूक का पता बता देगा। उधर विल को डचमैन जहाज पर उसके पिता मिलते हैं, जिनसे विल बताता है कि मैं उस संदूक की चाबी ढूंढने आया हूँ जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा है। अब ये सुनकर दीवार पर चिपका एक गुलाम उसे बताता है कि वो चाबी डेवी जोन्स के पास ही है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि डेवी जोन्स ने उस चाबी को कहाँ रखा है। वहीं अब अगले दिन कुछ गुलाम एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें अपनी गुलामी के साल लगा रहे थे क्योंकि उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब ये देखकर विल डेवी जोन्स को इस खेल की चुनौती देते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, लेकिन इसके बदले डेवी जोन्स
लॉरेंस को अपनी चाबी दांव पर लगानी होगी, जो सुनकर वो चाबी बाहर निकालता है जो उसके टेंटिकल्स के बीच उसके ही गले में थी, जिसके बाद अब विल और डेवी जोन्स उस खेल को खेलने लगते है। पर अब अपने बेटे को हारता देख बूटस्ट्रैप भी उस खेल में कूद पड़ता है, जिस कारण वो खुद तो इस खेल को हार जाता है। तब डेवी जोन्स बूटस्ट्रैप से कहता है कि तुम्हारी गुलामी के दिन खत्म होने वाले थे, लेकिन तुमने अपने बेटे के लिए अपनी आजादी को दांव पर लगा दिया, जिसमें तुम हार भी गए, यानी कि अब तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम रहोगे। फिर अगले सीन में बूटस्ट्रैप अपने बेटे से कहता है कि अब तुम्हें उस चाबी का पता चल गया है, इसलिए रात के समय जब डेवी जोन्स और उसके साथ ही सो रहे होंगे तो तुम उस चाबी को चुरा कर यहाँ से भाग जाना। जिस पर विल ऐसा ही करके वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने पिता से वादा करता है कि मैं आपको इस गुलामी से जरूर आजाद करवाऊंगा। वहीं डेवी जोन्स को इस बात का पता चलने पर कि विल उसकी चाबी चुरा कर भाग गया है, तो वो बूटस्ट्रैप को बंदी बनाकर अपने बाकी गुलामों से कहता है कि हमें उस टापू पर जाना होगा जहाँ मेरा दिल रखा हुआ है। इसलिए अब आगे हम टापू का सीन देखते हैं, जहाँ कंपास की मदद से जैक स्पैरो, एलिजाबेथ और जेम्स पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग जमीन खोदकर उस संदूक को निकाल लेते हैं, और ठीक उसी समय विल भी उस टापू पर चाबी लेकर आ जाता है। लेकिन उन तीनों में यानी कि विल, जैक स्पैरो और जेम्स में उस संदूक को लेकर बहस हो जाती है, क्योंकि जैक स्पैरो उस दिल के बदले डेवी जोन से सौदा करना चाहता था ताकि वो उसको अपना गुलाम ना बनाए, जबकि विल अपने पिता की गुलामी खत्म करवाना चाहता था। वहीं जेम्स को वो संदूक इसलिए चाहिए था क्योंकि वो ये संदूक कटलर को देकर अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों को खत्म करवाना चाहता था, जिसके तहत अब इन तीनों के पास वो संदूक को पाने की कोई ना कोई वजह थी, इसलिए वो लोग तलवारबाजी करके उस संदूक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते है। जीतने में ही वहाँ डेवी जोन्स की जहाज भी आ जाती है, लेकिन वो खुद जमीन पर नहीं आ सकता था, इसलिए वो अपने गुलामों को संदूक लाने के लिए भेज देता है। इधर ये लोग लड़ते हुए उस संदूक को एलिजाबेथ के भरोसे छोड़ देते है, लेकिन जैक स्पैरो के दो साथी जिन्हें ये नहीं पता था कि उस संदूक में क्या है, वो दोनों उस संदूक को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसमें खजाना भरा हुआ है। तब एलिजाबेथ उनका पीछा करने लगती है, और इतने में डेवी जोन्स के गुलाम भी वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक गुलाम उस संदूक को उठाकर भागने लगता है। उधर जैक स्पैरो किसी तरह चाबी लेकर विल और जेम्स को लड़ता हुआ छोड़कर एक नारियल की मदद से उस गुलाम के सिर को अलग कर देता है, जिसके बाद वो चाबी की मदद से उस संदूक में से दिल निकालकर मिट्टी से भरे जार में रख देता है। तभी डेवी जोन्स का गुलाम जैक स्पैरो पर तलवार से वार करता है, जिससे बचते हुए जैक स्पैरो उस जार को एक छोटी नाव में रखकर उन लोगों से लड़ने लगता है। फिर वहाँ ढेर सारे गुलाम आ जाते हैं, जिनसे लड़ते हुए जेम्स को वो जार दिख जाता है जिसमें रखे दिल को वो चुरा लेता है। फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग निकलो, जबकि वो खुद उस संदूक को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे बाकी गुलाम भी जंगल में चले जाते हैं। इधर जैक स्पैरो देखता है कि उसकी मिट्टी वाला जार अब भी नाव में ही है, इसलिए वो विल और एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ जेम्स उस संदूक को जंगल में रखकर आगे भाग जाता है। तब डेवी जोन्स के गुलाम उस संदूक को उठाकर डेवी जोन्स को दे देते हैं। वहीं जैक स्पैरो के जहाज पर डेवी जोन्स अपने डचमैन से हमला कर देता है, लेकिन जैक स्पैरो का ब्लैक पर्ल सबसे तेज चलने वाला जहाज है, इसलिए वो डचमैन के हमले से बचते हुए आगे निकल जाते हैं। पर अब ये देखकर विल कहता है कि यदि हम उनसे आगे निकल सकते तो उनसे लड़ भी सकते है, जिस पर अब जैक स्पैरो उस जार को देखते हुए कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उससे सौदा करेंगे। पर तभी अचानक से उनकी जहाज पर एक झटका लगता है, जिससे वो जार गिरकर टूट जाता है, पर उसमें डेवी जोन्स का दिल नहीं होता। वहीं एलिजाबेथ बताती कि हमारा जहाज अपने आप झटके नहीं खा सकता, बल्कि यहाँ कुछ तो है जिसकी वजह से जहाज को झटका लग रहा है। तब विल बताता है कि ये क्रेकेन का काम है, इसलिए वो सभी से तोप और बारूद लेकर क्रेकेन से लड़ने को कहता है, और ठीक उसी समय क्रेकेन का हमला हो जाता है, जिसमें वो सभी बड़ी बहादुरी से लड़ते है, पर क्रेकेन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं क्रेकेन को देखकर जैक पर एक छोटी नाव लेकर भागने लगता है, जबकि उसके साथ ही शराब के कंटेनर को एक जगह इकट्ठा करके उसमें विस्फोट करके क्रेकेन को मारने की योजना बनाते हैं। वहीं उधर जैक पर अपनी जहाज को तबाह होते हुए नहीं देख पाता, इसलिए वो वापस आकर उन शराब के कंटेनर में गोली चला देता है, जिसके भयानक धमाके में क्रेकेन के टेंटिकल्स जल जाते हैं, इसलिए वो वापस से समुद्र के सतह पर लौट जाता है। अब वो लोग समझ चुके थे कि कुछ ही देर में क्रेकेन वापस से आएगा, इसलिए वो सभी नाव में सवार होकर से निकलने लगते हैं, जबकि एलिजाबेथ जैक स्पैरो को किस करने के बहाने उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर जहाज पर ही बांध देती है, क्योंकि उसे पता था कि क्रेकेन जैक स्पैरो को मारने आया है।
जिसके बाद अब एलिजाबेथ वापस जाकर सबको ये झूठ बताते हैं कि जैक स्पैरो ने हमें बचाने के लिए जहाज पर रुकने का फैसला किया है, पर वहीं जहाज पर जैक स्पैरो किसी तरह अपना हाथ खोल लेता है, लेकिन तभी क्रैकन फिर से हमला करता है और इस बार जैक स्पैरो बड़ी बहादुरी से अपनी तलवार लेकर उसके मुंह में समा जाता है। अब जैक स्पैरो को उसकी जहाज के साथ मरता देख उसके साथी बहुत दुखी होते है, जबकि डेवी जोन्स को उस संदूक में उसका दिल नहीं मिलता। दूसरी तरफ जेम्स कटलर को कंपास की जगह डेवी जोन्स का दिल देता है, क्योंकि जिसके पास भी उसका दिल होगा वो डेवी जोन्स से कोई भी काम करवा सकता है। फिर आगे हम विल, एलिजाबेथ और जैक स्पैरो के साथियों को टाई डेल्मा के पास देखते हैं, जहां वो सभी काफी दुखी होते हुए कहते हैं कि यदि जैक स्पैरो को वापस लाने का कोई रास्ता होता तो हम उसे जरूर बचाते। जो सुनकर टाई डेल्मा सवाल करती है कि क्या तुम जैक स्पैरो को बचाने के लिए दुनिया के दूसरी छोर पर जा सकते हो, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते है। तब टाई डेल्मा कहती है कि दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए तुम्हें एक कैप्टन की जरूरत लगेगी, और अब उसके ऐसा कहती वहाँ बारबोसा आ जाता है जिसे टाई डेल्मा ने वापस से जिंदा कर दिया था। वो अब वहाँ आते ही सवाल करता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है, जिससे हम समझ पाते कि वो सभी अगले सफर पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जिसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके पीछे के या आगे के पार्ट देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।